मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ एंड कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स की ओपीडी को रन करता हूँ। मींस ऐसे पेशेंट्स को देखता हूँ जिनमें कोविड के सिम्टम्स हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं उन पेशेंट्स को मेरा देखना मेरा काम रहता है। बीते कुछ दिनों में मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया है जिससे आम लोगों को जिनको कोरोना नहीं है उनको कोरोना हो रहा है। मीन्स कोरोना से बचने के चक्कर में इंसान कोरोना का शिकार हो रहा है। क्या होता है कि लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना। लेकिन जब वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद एक दिन फीवर आता है, एक दिन फीवर आता है, जनरल है। हर वैक्सीन में किसी में कम किसी में ज़्यादा आता है, पर आता है और हर पर्सन पर्सन में डिपेंड करता है, किसी को कम आता है किसी को ज़्यादा आता है, बट जनरली एक जनरल इलनेस होती है जिसमें जनरली फीवर आता है। क्या होता है लोग उस फीवर को दिखाने आ जाते हैं कहाँ पर, फीवर क्लिनिक में, फीवर क्लिनिक में, फ्लू क्लिनिक में, जहाँ पे कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स को देखा जाता है। वो सोचते हैं कि मुझे कोरोना तो नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना होगा, जब फीवर हमको आता है तब उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और उस टाइम पे हम कहाँ जा रहे हैं दिखाने, एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ भयंकर तो क्राउड है, क्योंकि आजकल हर डॉक्टर के पास भयंकर भीड़ लगी हुई है, भयंकर क्राउड है। और क्राउड किन लोगों का है, उन लोगों का क्राउड है जिन लोगों में कोविड के हाईली सिम्टम्स हैं, अच्छे खासे सिम्टम्स हैं, उनके बीच में हम दिखाने जाते हैं अपने फीवर को। कोविड के सिम्टम्स वाले पेशेंट के बीच में जब एक लो इम्यूनिटी का इंसान जिसको फीवर आ रहा है वो वहाँ जाएगा तो आप सोचो कि उसको कोविड नहीं होगा क्या। मैंने खुद से इस चीज़ को इतना क्लोजली नोटिस किया है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को ये तुरंत एडवाइस करना चाहिए। अगर आप लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं और उसके बाद आपको फीवर आता है, फीवर आना पहले तो कॉमन है, उससे घबराना नहीं है। फीवर आना, साइट पेन होना, थोड़ा सा इरिटेशन होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं वैक्सीनेशन के बाद, मैंने भी लगवाया है, तो उससे नहीं डरना है। लेकिन उसके बाद अपन को अपना सेल्फ ट्रीटमेंट लेना है अगर हमें फीवर आता है। आप चाहें तो एक पैरासीटामोल 500 mg की सुबह शाम ले सकते हैं अगर आपको फीवर आ रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन में, वैक्सीनेशन के बाद वाले फीवर में, आपको फीवर क्लिनिक में डॉक्टर को दिखाने नहीं जाना है। अगर इसके अलावा आपको फीवर आता है, मीन्स मान लीजिए बिना वैक्सीनेशन के आपको फीवर आ रहा है, गले में खराश हो रही है, सोर थ्रोट हो रहा है, इस तरीके के सिम्टम्स स्टार्टिंग में कोविड में आते हैं, अगर ये आ रहे हैं तो आपको जरूर डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। अपने आप को सेल्फ आइसोलेट जरूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर आ रहा है उसके तुरंत बाद अगले दिन आपको नहीं दिखाने जाना चाहिए, क्योंकि वो वैक्सीनेशन की वजह से आया है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ऐसे लोग बच सकें जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है और अपने देश को जिताना है। थैंक यू।